एडोल्फ हिटलर की कहानी सुनकर तुम्हारी फटी की फटी रह जाएगी। क्या? सुनो, हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1834 को ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ था। उन्होंने लंबे समय तक गरीबी और संघर्ष का सामना किया। उनकी राजनीतिक यात्रा 1919 में शुरू हुई जब वे नाजी पार्टी में शामिल हुए। हिटलर की सोच और विचारधारा बहुत अत्यंतवादी थी। उन्होंने यहां तक कि यहूदी लोगों को घातक धर्म मानकर होलोकॉस्ट की घटनाओं को बढ़ावा दिया। हिटलर ने 1923 में जर्मनी के कुछ हिस्सों को अधिकार में लेना शुरू किया और उनके प्रबंधन में जर्मनी को फासिस्ट नजरिए मिले। उनकी शक्ति के कारण वर्ल्ड वॉर II की शुरुआत हुई, लेकिन उनके कठोर नीतियों के कारण वे वर्ल्ड वॉर II हार गए और हिटलर ने 1945 में आत्महत्या कर ली। यहूदियों के तो हिटलर सबसे बड़े दुश्मन थे। इसके बावजूद हिटलर का नाम इतिहास में एक क्रूर दिक्कत के साथ जुड़ा है और उन्हें एक क्रांतिकारी और आत्मघाती नेता के रूप में याद किया जाता है। भागने की बहुत जल्दी है, सब्सक्राइब पर टैप करो और जाओ।